कि अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ईवीएम का फिर टिकरा फोड़ा भी जाता है, ईवीएम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। और जब बीजेपी जीत जाती है तो भाई ईवीएम पे कहीं ना कहीं प्रहार हो चुका है। ये विषय नहीं, ईवीएम पे कांग्रेस की स्पष्ट राय पार्टी की पर देश की जनता को और संस्था पर भरोसा नहीं। वहां भी आकर के आप बोलो, जब आपकी सरकार बनती है कहीं पर किसी भी राज्य में, वहां भी आकर के आप लोग बोलो कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने बोला है। जो आशीष जैसे इतने मजबूत कांग्रेस के लीडर भी विश्वास नहीं जता पा रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ पाएगी, इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, उनको वोट करने वालों की क्या स्थिति होगी। हम भारतीय जनता पार्टी हम मशीन पर भरोसा नहीं करते, हमारा भरोसा राज्य की जनता पे है। राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आम आदमी भी पार्टी प्रयासरत है, लेकिन जो हाल उनका भी दिल्ली में उन्होंने रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य मुझे लगता है कैसे नहीं किया। जिस प्रकार वो चुनाव से पूर्व सारे आंदोलनकारी थे, संघर्ष करते हुए हमें दिखाई देते थे सड़कों पर, आज सत्ता में आने पर कहीं ना कहीं उनकी भी हालात दूसरी हो गई है। चार साल पूरा होने के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही खड़े होकर के वो ये गिनाते कि हमने इतना अच्छा अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, वो करने से पहले ही मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। बीजेपी का कार्यकर्ता ठगा रह जाता है जब कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को बीजेपी टिकट दे देती है, और पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस का विधायक, तृणमूल का विधायक, समाजवादी पार्टी का नेता, अन्य दलों का नेता चुपचाप से भाजपा में आ रहा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है। उन्होंने वहां पर पूरा एक सेमिनार किया और पार्टी के जो इनके अध्यक्ष हैं और इनकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाया, तो इन्होंने तुरंत अपने जिन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ी भी नहीं थी उनको गद्दार बता दी। दो बार केंद्र में इनकी सरकार आई तो जो चाहते हुए वो कर सकते थे, तब तक इन पर ईवीएम का पूरा भरोसा था। दो बार केंद्र में सरकार आई, केंद्र में सरकार आने के बाद ये जो चाहते वैसा कर लेते, नहीं करा इन्होंने, क्योंकि तब तक ईवीएम पर पूरा भरोसा था। एक तरह जो हम बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी, तो डबल इंजन की सरकार में से हमने क्या किया कि एक इंजन को उठाया, दूसरे इंजन को फिट कर दिया, मतलब इंजन की अदला बदली कर दी गई है। तो इंजन की अदला बदली करने से क्या लगता है कि उत्तराखंड की बदल सकती है तस्वीर, इस विषय पे पूरा हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नितिन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, और साथ में है आशीष सैनी जी। आशीष सैनी जी कांग्रेस पार्टी को पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां भी जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है वहीं आगे खड़े हो जाते हैं और बीच में है सामंजस्य बिठाने के लिए, धर्म और संस्कृति से जुड़ी जानकारी देने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड देवताओं की भूमि कही जाती है, देव भूमि कही जाती है, तो इसलिए एक पक्ष रखना यह भी जरूरी है। तो आचार्य रजनीश जी आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप तीनों लोग का। और विषय की शुरुआत करने से पहले सबसे पहला पक्ष मैं नितिन शर्मा जी से लूंगा कि आपको क्या लगता है कि जैसे इंजन बदल दिया गया इंजन बदलने से उत्तराखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो क्या उसकी कुछ तस्वीर बदलेगी या सरकार ही बदल दी जाएगी, भाई इसमें क्या लगता है आपको क्या होगा? तीरथ सिंह रावत जी, माननीय तीरथ सिंह रावत जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो 2022 में चुनाव होंगे उसमें हमारे पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, ज्यादा सीटें आएंगी, तो एक पक्ष ज्यादा सीटें आएंगी, चलो सीटों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। दूसरा पक्ष आशीष सैनी जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसी मुद्दे को ही आगे बढ़ाऊंगा। यदि चुनाव जीतना अगर सक्षमता और अच्छे होने का प्रमाण है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वह बिल्कुल सही थे। उन्होंने 5 लोकसभा सीट जीती, उसके बाद विधानसभा सीट के जो उपचुनाव हुए वह जीते, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए तो अधिकतर सीट बीजेपी की आई और बीजेपी का जगह जगह दबदबा रहा, पूरे जगह वो रहा, और उस आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे। परंतु भाजपा ने जिस प्रकार से 57 विधायकों के मुख्यमंत्री को अपने दिल्ली में बैठकर बदल दिया और उस नौटंकी को पूरे प्रदेश ने देखा, साथ साथ 6-7 नए पूर्व मुख्यमंत्री के दावेदार पैदा करके जिस तरह की अस्थिरता पैदा की,
और जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार देवभूमि के 57 विधायकों के साथ हुआ है, उनके जनमत के साथ हुआ, उसका प्रमाण यह है कि पुराना जो इंजन था उसका एवरेज और उसकी परफॉर्मेंस खराब थी। एक नया इंजन लगाया गया और नया इंजन लगाते ही फेल हो गया, ये स्थिति हुई है। 10 दिन हो गए हैं राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए, जिस मुख्यमंत्री ने संविधान की और पद और गोपनीयता की शपथ ली हो और 10 दिन तक वो खाली हाथ बैठा हो, तो ऐसे मुख्यमंत्री से प्रदेश को कोई अपेक्षा नहीं है, भाजपा कोई अपेक्षा नहीं है, जनता इनसे कोई अपेक्षा नहीं करती और आने वाले में समय में सरकार इस प्रदेश से जाने वाली है। आने वाले समय में ये जो पार्टी है ये सरकार जाने वाली, दूसरी सरकार ऑब्वियस वाली सरकार दूसरी आएगी और आप कह रहे हैं पार्टी बदल जाएगी। देखिए दोनों ने अपने अपनी बातें रखी, बहुत अच्छी बातें हैं। मेरी तरफ से दो बातें हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आशीष सैनी जी ने अभी बात रखी, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। भाजपा का यह जो निर्णय है मुझे लगता है कहीं भी इसे अच्छा नहीं माना जा सकता है। हो सकता है जो भी ऊपर से जैसे भी आदेश रहा हो और जो भी उनकी कार्यक्षमता रहा उसे देख करके उन्होंने कोई निर्णय लिया हो, लेकिन जैसे भी आशीष जी ने बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 4 साल कार्य किया और आगे जो वोटिंग होगी, जो आप अपने जीत की बात रखेंगे तो उसी आधार पर रखेंगे। इससे दो बातें उठी हैं, या तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अच्छे कार्य नहीं किए, यानी आप खुद फेलियर मान रहे हैं अपने आप को, तो आप नए मुख्यमंत्री लेकर आए हैं, और दूसरा यह है कि अब तीरथ सिंह रावत जी यदि वोट मांगने जाते हैं तो किस आधार पर उनके पास 10 महीने का पूर्ण समय है, फिर आचार संहिता भी लगेगी। दूसरी बात मैं कहूँगा अपने धर्म अध्यात्म की, जो आपने कहा जिसको रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूँ, कि उत्तराखंड के निर्माण के समय जब पहले मुख्यमंत्री की शपथ ली गई, ज्योतिषीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो रात्रिकालीन में ली गई थी और उस कारण उस मुहूर्त का प्रभाव हमारे पूरे प्रदेश पर चल रहा है, जिसमें कि हमने 2017 में कोटद्वार में भी ये बात बताई थी जो कुछ लोगों को नागवाद गुजरी। और मुहूर्त का इतना बड़ा फल है कि यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री छोड़कर के तिवारी जी को कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और आगे में मुझे लगता है ये स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहेगी। छोटा सा प्रदेश होने पर जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जंगल जमीन को लेकर के, जल को लेकर के, बिजली पानी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन नेताओं का कार्य केवल एकमात्र रह गया। नेता वो आजकल वो होता है जो केवल लेना देना जानता है, जो देना जानता हो ऐसे नेता की हमें आवश्यकता है। उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, यहाँ पर इतने मंत्री बना देना, इतने सारे इनकी सुख सुविधाएं बढ़ा देना, मैं समझता हूँ उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय, उनके साथ धोखा है। यदि कोई आ रहा है, तीरथ सिंह रावत जी भी यदि आए हैं तो उन्हें भी यह संकल्प लेना चाहिए, ये कुंभ के समय पे हूँ आ रहे हैं कुंभ में स्नान करने के लिए, तो गंगा माता की संकल्प लें गंगा माता के संग कि मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के रोजगारी के लिए, यहाँ के पलायन के लिए कार्य करूंगा, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा। और ये जो आदत तो बना ली है सारे नेताओं ने, इसमें कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण में बदलने की आवश्यकता। शपथ जब भी कोई लेता है तो वो शपथ लेकर के संविधान की शपथ लेता है, बहुत सारे विषयों पे वो चर्चा करते हैं। मैं अभी याद है कि भाग्य रात के समय गठन हुआ, इस वजह से ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, क्या ज्योतिषी गणना के आधार पर आप कुछ बता सकते हैं 2022 में बीजेपी के कांग्रेस को याद आ सकता है कुछ ऐसा बता रहे हैं? अतिशयोक्ति होगी अगर हम कुछ कहते हैं। मुझे लगता है काम के आधार पे हमें आगे जाना चाहिए। भविष्यवाणी में दो तरह की बातें होती हैं, एक होती है सकारात्मकता, एक होती है नकारात्मकता। देखिए जब भी हम अच्छी चीज सुनते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, हम भाजपा की यदि बात करेंगे तो भाजपा वाले प्रसन्न होंगे, कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस वाले प्रसन्न होंगे, लेकिन हमें उन विषयों से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो सभी लोगों की यह कहेंगे उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए, यहाँ की रोजगारी के लिए सोचिए, यहाँ के विकास के लिए सोचिए, यहाँ रोज आपदाएं आ रही हैं आपदाओं के लिए सोचिए। और उत्तराखंड में विशेष यह देखा मैंने पाया है कि यहाँ के लोग अगर छोटा सा भी मंत्री पद इनको प्राप्त हो गया तो ये अपने अहंकार में अखंड डूब जाया करते हैं, उन्हें इस चीज से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक ये परंपरा से चल पड़ी है, जब भी कोई व्यक्ति बहुत सारे बहुत वर्षों से ही परंपरा चली आ रही है कि अधिकार जब कोई व्यक्ति पद पर आया तो अहंकार आ ही जाता है। शायद उसको वो उस विषय पर चर्चा हम करते रहेंगे, बाकी विषय यही है। आपने आशीष सैनी जी ने बात कही कि अगर भाजपा का कार्यकाल अच्छा ही था तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी? आप नहीं बदलते, आप कह रहे हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, 22 में अच्छी सीटें आने वाली हैं, तो बदलने की जरूरत ही नहीं थी फिर तो।
आप ये बदल करके ये साबित कर देते हैं कि कहीं ना कहीं पुराने मुख्यमंत्री उस योग्य नहीं थे। और देश जिस गति पे चल रहा था उसे और गति देने के लिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने परिवर्तन किया है। असल में हमारी जो पार्टी है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पे यकीन रखती है। ये ऐसी पार्टी नहीं है कि यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह वहाँ का एक बार अध्यक्ष उनकी माँ बन जाएगी, फिर उनका बेटा बन जाएगा, फिर उनकी माँ बन जाएगी, फिर उनकी बेटा बन जाएगा। पार्टी में उसके अलावा कोई और उन्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पर जिसकी जैसी सक्षमता है और वो अगर पार्टी को आगे पहुंचा सकता है तो जो पार्टी को ज्यादा अच्छे तरीके से और सबको साथ में लेकर आगे पहुंचा रहा होता है उसको पार्टी ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करती है। देखिए नितिन जी ने दो बातें कही हैं, एक तो उनकी भाजपा लोकतंत्र पर विश्वास रखती है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी है। चुने हुए विधायक ही अपना नेता चुनते हैं, ये लोकतंत्र की परंपरा है। उस लोकतंत्र की परंपरा को ध्वस्त करके एक सीट पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के बजाय नए नेता का चयन दिल्ली से हुआ और उसे उत्तराखंड की देवभूमि पर थोप दिया गया। अभी कुंभ के कार्य अधूरे थे, अभी फ्लाईओवर जो कुंभ के ऊपर थे उसके नीचे भगवान की तस्वीर बना दी और कुंभ के कार्य को पूरा दिखा दिया गया है। अभी काम बहुत अधूरे हैं। राज्य सरकार परफॉर्मेंस और अपने मैनिफेस्टो के आधार पर पूरी तरह से फेल है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र जो शब्द बार बार ये बीजेपी के माध्यम से आता है कि सोनिया गांधी जी के कार्यकाल के ऊपर, मैंने एक फैक्ट आपके सामने रखूंगा और आप इसका परीक्षण करना कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं वो सब अध्यक्षों का चुनाव उनके राज्य समितियों के प्रस्ताव, जिसमें 5 प्रस्तावक और 5 अनुमोदक होते हैं पीसीसी के सदस्य, हर राज्य से प्रस्ताव आते हैं। वो प्रस्ताव आने के बाद यदि उसमें हमें डाउट लगता है कि हाँ अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया जाना चाहिए तो उसमें चुनाव कराया जाता है। सोनिया जी को अध्यक्ष बनाने के लिए भी चुनाव कराया गया था, एक बार चुनाव हुआ था, एक बार कई बार बाकी बार नहीं हुआ। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक ये बयान नहीं दिया कि हम सोनिया जी को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करते या राहुल जी को स्वीकार नहीं करते या किसी अन्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मैं बताऊँ लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक भी अध्यक्ष अगले जी मेरा जो विषय है, जो सवाल है वो अब है कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी अध्यक्ष के लिए चुनाव कभी हुआ ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नागपुर से तय होता है, जहाँ आरएसएस के लोग जो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बोलते हैं वो बीजेपी का अध्यक्ष तय करते हैं, बीजेपी के टिकट तय करते हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता ठगा रह जाता है जब कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को बीजेपी टिकट दे देती है और पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस का विधायक, तृणमूल का विधायक, समाजवादी पार्टी का नेता, अन्य दलों का नेता चुपचाप से भाजपा में आ रहा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहा है। आज मेरी बात अगर किसी भाजपा के कार्यकर्ता तक पहुंच रही है तो उन्हें अपने नेतृत्व का कलर पकड़कर ये सवाल पूछना चाहिए कि उसके साथ ये अन्याय और ये अलोकतांत्रिक कार्य भाजपा क्यों कर रही है। यहाँ पर जवाब ही नितिन जी देंगे। जी जी, जैसा भी अखिलेश जी ने कहा, आशीष जी ने कहा कि इनके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है पूरी की पूरी। अभी जम्मू में 23 विधायक थे, नहीं आप अपनी जानकारी बताइए, है ना। उन्होंने वहाँ पर पूरी की पूरा एक सेमिनार किया और पार्टी के जो इनके अध्यक्ष हैं और इनकी जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठाया। तो इन्होंने तुरंत अपने जिन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ी भी नहीं थी उनको गद्दार बता दिया। इनके यहाँ अगर पार्टी के किसी भी चीज के ऊपर कोई सवाल उठा देता है तो ये तुरंत उसको गद्दार बता दे। कांग्रेस पार्टी के किसी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट में किसी भी उन जी 23 दो 23 जिनको हम बोल रहे हैं उन नेताओं को जिनकी राय कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में एक अलग है, वो चाहते हैं कि चुनाव कराया जाए और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी भी कहते हैं चुनाव कराया जाए, सोनिया जी भी कह रहे हैं चुनाव कराया जाए, उसमें किसी में कोई दो राय नहीं है। आप मैं नितिन जी फिर बार बार सवाल गलत कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने कहा कि हमें सोनिया जी नेतृत्व में विश्वास नहीं है। मैं जी 23 से किसी भी नेता का कोई बयान नहीं है, उनका बयान केवल चुनाव की प्रक्रिया पर और ये चाहे कि नया चुनाव से ही अध्यक्ष बनाए ताकि सवाल खत्म हो। दूसरी बात कि आप भारतीय जनता पार्टी की बात क्यों नहीं करते, जिस पार्टी का आप नेता हैं, जिसकी राज्य और केंद्र में सरकार है, वो चाहे विधायक चुने या अपना पदाधिकारी बनाए या किसी दूसरे दलों को लोग शामिल करती है या फिर अपनी ही पार्टी का अध्यक्ष बनाती है, तब वो लोकतंत्र कहां चला जाता है? उस लोकतंत्र में जवाब दीजिए। हमारे नए मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे दो जो लोग थे वो यहाँ पे केंद्र की तरफ से भेजे गए थे, उन लोगों ने सभी विधायकों का शुमारी करी
करने के बाद वो यहाँ से दिल्ली गए और जिस दिन मुख्यमंत्री जी हमारे दोबारा दूसरे बने उससे एक दिन पहले वो यहाँ पर आए और आने के बाद उस चीज की घोषणा हुई। यहाँ अचानक कुछ नहीं होता है। ये कहानी बड़ी सुंदर है लेकिन इसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए ये विषय ऐसे है कि जब आप एक दूसरे पार्टियों के ऊपर बात करो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक राजनीति के विश्लेषण हम कर लेते हैं उस विषय को लेकर के कि क्या इंजन जब बदला है और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी में दस्तक दे चुकी है उत्तराखंड में, आपको क्या लगता है कि उसका असर किसके ऊपर पड़ने वाला है सबसे अधिक? कांग्रेस पार्टी में आपस में ही बहुत सारे विषय को लेकर के जो हेड है वो आपस में किसी न किसी विषय को लेकर लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी में दस्तक दे रही है। छोटे छोटे जो पार्टियां हैं, जो उत्तराखंड लेवल पर जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप अपना कार्य कर रहे हैं, तो उस सब दृष्टिगत अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान या फायदा या किस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार बनेगी नहीं बनेगी, किसकी बन सकती है? देखिए, उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है, यहाँ की समस्याएं दूसरे राज्यों से भिन्न है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी वो दिल्ली की व्यवस्था को देख रही है, अच्छे से चला पा रही है जो भी हो रहा है, लेकिन यहाँ की प्रदेश की जो व्यवस्थाएँ हैं वो दूसरे प्रकार की हैं। और उत्तराखंड की व्यवस्था ये हो गई कि जो मंत्री लोग बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उत्तराखंड अभी इतना समय बना हुआ नहीं हुआ, इतने मुख्यमंत्री यहाँ पर आ गए और हर एक व्यक्ति को केवल अपने खाने पीने से कमाने का ही एक ध्येय उनका रह गया है। उत्तराखंड की जो मुख्यतः समस्याएं हैं आज यहाँ का जो जवान है, नौजवान है, जिसे कुछ करना चाहिए अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए, आज वो धक्के खा रहा, घर से कहीं हजारों किलोमीटर वो रह रहा है, वहां पर वो अपना आशियाना बनाने के लिए प्रयासरत है, वो सोचते हैं कि हम ऊपर जाए, दूसरे सड़कों का बुरा हाल है, ये व्यवस्था यहाँ पर इस प्रकार से भिन्न है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो भी पार्टी आए उसे संकल्प अपना पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ लेना चाहिए। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो जंगल है, पर्यावरण है, जमीन है, उसको बचाने के लिए हमें प्रयासरत होना पड़ेगा। जो यहाँ पर त्रासदियां आती है समय समय पर, कहीं भूस्खलन आ जाता है। आपने अभी बात कह दी कि जो भी लोग आते हैं वो सब अपना मजबूत, हाँ, सब अपना अपना देखते हैं, तो हाँ फिलहाल इसी अहंकार के कारण जो जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए आंदोलन किया, उत्तराखंड क्रांति दल जैसा जो दल है वो भी समाप्त हो गया, उनके अंदर भी केवल अहम की भावना थी, मैमे की भावना थी, तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। आम आदमी भी पार्टी प्रयासरत है, लेकिन जो हाल उनका भी दिल्ली में उन्होंने रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य मुझे लगता है कैसे नहीं किया, जिस प्रकार वो चुनाव से पूर्व सारे आंदोलनकारी थे, संघर्ष करते हुए हमें दिखाई देते थे सड़कों पर, आज सत्ता में आने पर कहीं ना कहीं उनकी भी हालात दूसरी हो गई है। तो मैं समझता हूँ सारे राज्य के लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए और सत्ता में आने के बाद एक में गणना, मतलब मैं ये चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इस बात को, क्योंकि बहुत सारे विषय आ जाते हैं, बहुत सारे विषय निकल करके आते हैं जब हम किसी भी विषय में बात करते हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी कितने सीट्स ले सकती है, अच्छा कांग्रेस पार्टी कितने सीट्स ले सकती है और भारतीय जनता पार्टी कितने सीट्स ले सकती है और सरकार बन सकती है, किसकी बन सकती है? मैं सिर्फ यही स्टेटमेंट में आप दोनों लोगों से लेकर के आज के हम डिबेट का समापन करेंगे। पहला विषय ये है कि जो जिस विषय पर हम थे कि मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता, उसका आवश्यकता का मूल कारण भ्रष्टाचार को संरक्षण है। भ्रष्टाचार का संरक्षण भाजपा केवल अपने ही दलों के लोगों का नहीं करती, अगर दूसरे के दल का व्यक्ति है वो भी भ्रष्टाचार करता है तो उसका संरक्षण भी भाजपा ही करने का काम करती है। दूसरी बात है कि भाजपा क्या करती है कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो धर्म का सहारा लेगी, कभी वो कहेगी कि देवभूमि को बचाना है, कभी धर्म बचाने की बात करेगी, कभी तमाम तरह के एजेंडे और छल प्रपंच झूठी कहानियां लेकर आ जाएगी। लेकिन भाजपा कभी भी अपने मैनिफेस्टो पर बात नहीं करेगी। चार साल पूरे होने पर मैनिफेस्टो की समीक्षा होनी थी, उस पर समीक्षा ना हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ CBI की जाँच होने बाद उनको बर्खास्त ना किया जाए, और जो चार साल से जनता सवाल पूछ रही थी और मुख्यमंत्री से अपेक्षाएं थी उसको खत्म करने के लिए केवल इंजन चेंज किया गया, लेकिन वो फेलियर है। और उसका तो उत्तराखंड का अपमान किस लिए? जो 56 विधायक है, 56 विधायक अपने सबकी अपनी राजनीतिक सोच होती है, क्योंकि उस विषय पर हम चर्चा कर चुके, उस विषय पर हम बात कर चुके हैं। मैं बहुत ही प्रिसाइजली चाहता हूँ उसका जवाब कि आपके हिसाब से जो आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या सीट्स मिल सकते हैं, सरकार किसकी बन सकती है? जो जनता का जो
चेहरा और जनता का जो व्यवहार आचरण जो बता रहा है, जनता परिवर्तन चाहती है। जनता इसलिए कि उसे इस सरकार से जो उम्मीद थी उस सरकार में वो उम्मीद पूरी नहीं हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार का एक बहुत इंजन चला रहा था, 305 लोकसभा इसको मिली है। केंद्र सरकार के इंजन में प्रधानमंत्री की अपील पर डबल इंजन जोड़ा गया उत्तराखंड। उन्होंने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री पर लोगों ने विश्वास किया और उनके विश्वास पर एक डबल इंजन जोड़ते हुए 3/4 से भी अधिक बहुमत उत्तराखंड की सरकार जनता ने राज्य को बीजेपी में दिया। लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ है। जनता ने बदलाव का मन बनाया। प्रधानमंत्री की जो अपील थी, दूसरी चीज कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीट्स लेके आ सकती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी 100% का वादा मत कीजिए। 100% का वादा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी बहुमत के लायक सीट लेके आएगी, बहुमत लाएगी, राज्य की जनता बहुमत लेकर आएगी, बहुमत के लायक लेकर के आएगी, बहुमत लायक लाएगी, बहुमत लाएगी। आम आदमी पार्टी खाता खोलेगी नहीं खोलेगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो फिलहाल अभी देख रही है कि भाजपा और कांग्रेस से कौन कौन लोग नाराज होकर दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। वो हमारे कांग्रेस और भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे ही ढूंढ रहे हैं कि एक आध आदमी को मिल जाए तो उनका कहीं नंबर आ जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का मतदाता यहाँ पर यही होता है कि आम जब भी कोई पार्टी होती है वो ये देखती है कि कौन सा कैंडिडेट पहले बीजेपी को प्रेफर करेगी, फिर कांग्रेस को प्रेफर करेगी, फिर देखेगी कहाँ कहाँ से कौन कौन से लोग आ सकते हैं। और पार्टियों में व्यक्तियों का आना जाना ये आम बात हो गई है, बिल्कुल आम है, ये आम बात हो चुकी है। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए अखिलेश जी, मैं एक बात बस आपसे कहना चाहूंगा। अभी आपने आशीष जी से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीट आएंगी, कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी, आ सकती आम आदमी पार्टी की कितनी सीट आएगी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ये सीट पे जो आशीष जैसे भाई साहब जैसे इतने मजबूत कांग्रेस के लीडर भी विश्वास नहीं जता पा रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ पाएगी, इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, उनको वोट करने वालों की क्या स्थिति होगी। हम भारतीय जनता पार्टी हम मशीन पर भरोसा नहीं करते। हमारा भरोसा राज्य की जनता पे है। राज्य की जनता जनता पार्टी क्योंकि बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाए। नहीं, हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते। हम कांग्रेस के लोग जनता पे विश्वास रखते हैं कि जनता में वोट देगी, हम जीत के आएंगे और बहुमत लाएंगे। बीजेपी ईवीएम पे भरोसा करती है और अपने अपने उन मुद्दों धार्मिक मुद्दे पर भरोसा करते हैं, इसलिए वो दावा करती है। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहाँ पर ईवीएम का कोई दिक्कत नहीं होता, कोई कोई इशू नहीं होता। ईवीएम हर जगह विश्वास नहीं है। अगर आप सोच कर देखो, देखिए इस चीज को, अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की स्पष्ट राय है पार्टी की कि ईवीएम पर देश की जनता को और संस्था पर भरोसा नहीं है। वहां भी आकर के आप बोलो, जब आपकी सरकार बनती है कहीं पर किसी भी राज्य में, वहां भी आकर के आप लोग बोलो कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की बोला है। सरकार बनने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी हम कहते हैं कि हमें इनके भरोसा नहीं है। दो बार केंद्र में इनकी सरकार आई तो जो चाहते हुए वो कर सकते थे, तब तक इनको ईवीएम का पूरा भरोसा था। नहीं, हमें दो बार केंद्र में सरकार आई, केंद्र में सरकार आने के बाद ये जो चाहते थे ऐसा कर लेते, नहीं करा इन्होंने, क्योंकि तब तक ईवीएम पर पूरा भरोसा था। जैसे ही भाजपा की सरकार आई है, जब से राज्यों में भाजपा की सरकार है पूर्ण बहुमत से आने लगी है, एकदम से ईवीएम खत्म। नहीं, इसलिए हुआ ना कि जनता तो भाजपा के खिलाफ है और वहाँ वोट मिल रहा है, इसलिए ईवीएम पे डाउट है। और चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग के सामने जो हमने सवाल उठाए हैं, जैसे मैं आपके सामने एक बेसिक सवाल कर रहा हूँ, ईवीएम की मशीन प्लस बैलेट यूनिट, उसके बीच में एक वीवीपीएटी मशीन लगाई गई। वीवीपीएटी मशीन को आज भी चुनाव आयोग में कानून का दर्जा नहीं है, वो कानून में दर्ज नहीं है, लेकिन एक मशीन अलग से ऐड कर दी गई है। वीवीपीएटी पर्ची गिनती की हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मांग उठाई, आज तक वो गिनती नहीं की। गुजरात चुनाव की जो ईवीएम मशीनें हैं वो एक साथ ट्रक पलट के तोड़ दी गई सारी, और एक साथ एक ट्रक पलटा और वो सारी मशीनें जो कोर्ट ने रखी हुई थी वो तोड़ दी गई। कारण क्या है कि आज देश की जनता के सामने ये सवाल नहीं है, वो हमें कह रहे हैं कि सवाल उठाओ कि ईवीएम पर डाउट है और ईवीएम पे भरोसा नहीं है। अब पूरे दुनिया में किसी को भरोसा नहीं है। अभी पंडित जी एक बात कर रहे थे कि पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे थे, लेकिन 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 अगर बात करेंगे ना, यानी पूरी दुनिया में जो ईवीएम बनाने वाला देश है, अखिलेश जी ये मुद्दा इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। जो ईवीएम बनाता है देश, जो ईवीएम चला रहा है, जिसने ईवीएम पहले ले, किसी भी दुनिया के किसी लोकतंत्र में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
ईवीएम का इस्तेमाल यहाँ है और वो डाउट में है, तो हमारा हमारा डाउट हमेशा रहेगा। हमारी सरकार आएगी तो हम चुनाव आयोग पर जरूर दबाव बनाएंगे कि ईवीएम समाप्त कर बैलेट यूनिट से चुनाव कराया जाए, जैसे देश के सभी लोकतंत्र में हो रहा है। देखिए, सलाह तो यही है सभी राजनीतिक लोगों से, भाजपा है चाहे कांग्रेस है, कांग्रेस को तो मुझे लगता है हर बात का विरोध भी नहीं करना चाहिए, जो अच्छे निर्णय होते उनको स्वीकृति भी होनी चाहिए। और साथ के साथ बार बार जो प्रश्न आता है इसे दोहराना मुझे लगता है कि इससे पार्टी अपनी ही बदनामी कराती है। जैसे आपने बताया कुछ राज्यों में कांग्रेस जीत गई तो वहाँ पे कोई सवाल नहीं है, और जहाँ पर नहीं जीती तो वहाँ पर सवाल है। सवाल तो हारने वाले जो बराबर सवाल है, अपने बराबर सवाल है, ये तो आप कह रहे हैं ठीक है, जो बराबर सवाल, लेकिन हम यहाँ पर स्थिति, यहाँ पर जो प्रश्न है वो उत्तराखंड को लेकर की है। और उत्तराखंड के मुझे लगता है कि यहाँ पर हमेशा से जब एक सरकार आती है तो परिवर्तन निश्चित होता, जहाँ भी पार्टी राज्य है, चाहे वो हिमाचल है चाहे उत्तराखंड में, तो जो सरकार रहती है वो बदलाव जरूर चाहती है वहाँ की जनता। यहाँ के जो मतदाता है बहुत ही समझदार है, बहुत ही पढ़े लिखा तबका उत्तराखंड के अंदर, शिक्षित लोग हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ का जो बच्चा है वो विदेशों में भी अपना कार्य कर रहा है, हमारे पूरे इतने समाज है और सारे लोग हैं जो उत्तराखंड के लोग हैं, बहुत ही शिक्षित लोग हैं, बहुत ही सभ्य हैं, उन्हें परख है राजनीति की, बहुत अच्छी सोच है, जानकारी है, तो यहाँ परिवर्तन होता रहा है। और मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी अगर जरा से भी बढ़ गई तो दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय होगा, इसमें इन्हें गंभीर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के बजाय इन्हें धरातल पर कार्य करना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए। देखिए, ये बहुत सारे विषय हैं, विषयों पे हम बात करते कर रहे थे कि इंजन बदलने से क्या क्या होगा, क्या तस्वीर बदलेगी उत्तराखंड की, और इसी विषय को लेकर के बहुत सारे विषय लेकर के आ गए, और इसमें अभी बात हो गई कि अभी कहते कहते आशीष सेन जी ने एक बात कही जो मैं इसको एड ऑन करके आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि जनता अगर बीजेपी के विपक्ष में रहती है फिर भी बीजेपी कैसे जीत जाती है, एक बात कि कभी भी चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता, उस व्यक्ति की भावनाएं, उस व्यक्ति के विचार लड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति के विचार और भावनाओं से लोग ताल्लुकात रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, हो सकता है किसी किसी विषय को किसी किसी निर्णय के अगेंस्ट में होना, उसके विरोध में होना एक दूसरी एक बात है, और उसके विचार उसकी भावनाओं से संबंध अच्छा स्थापित कर लेना वो दूसरी बात है ऐसे विषय पर। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि वोटर जाके वोट देता है किसी को। आज इस विषय को लेकर के इंजन बदलने पर क्या होने वाला है हमने पूरी चर्चा की, और आप सभी लोग आकर के अपना अपना पक्ष जो आपने रखा है, नितिन शर्मा जी, आशीष सैनी जी और आचार्य रजनीश जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जिस विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे, और हमारे दर्शक क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव, अपनी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और हम बार बार ऐसे विषय को लेकर के आपके पास हमेशा आते रहेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।